अल हदीस और बरेलवी लड़ाइयां उरूज पर रहीं। शिया और सुन्नी के नाम से देवबंदी शिया, सिपाह साहबा शिया, क्लैशेस उरूज पर रहे। अगर इन तमाम चीजों का आप जायजा लें तो आप महसूस करेंगे पाकिस्तान का जो माकूल और दलील से बात करने वाला तबका था वो कभी भी इस तरह के झगड़ों का हिस्सा नहीं बना। हाँ, वो लोग जरूर हिस्सा बने जिनके पेट का मसला था या जो जाहिल थे और अपने तासुबात के कुएं में महदूद और बंद थे। अब आते हैं इस बिल की तरफ। मैं इस बिल के वाले सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा, ये कोई नया बिल नहीं है। ये 80s में सिपाह साहबा नामी एक दहशतगर्द जमात, जिसको बाद में रियासत ने ममनू करार दिया और उसको बैन कर दिया उसकी दहशतगर्दियों की वजह से, उस जमात के आनजहानी लीडर का पेशकरदा बिल है। जब उसकी बुनियाद ही एक फसाद के मरकज से उठे तो उसकी नीयत पर क्या उसके किसी भी एक्ट के हवाले से शक और शुबहे की निगाह से ही उसको देखना चाहिए कि नीयतों में कहां कहां फतूर है। सबसे पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि जब ये असेंबलियों में पेश हुआ तो इससे पहले जाहिर है कौमी असेंबली में डिबेट की गई और इस तरह के किसी बिल को मंजूरी नहीं मिली, सेनेट में भी मंजूरी नहीं मिली। ठीक है, जब वहां पर इससे पहले मंजूरी नहीं मिली तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने इस तरह के किसी बिल को पाकिस्तानी अवाम की मसलहत में नहीं समझा। लिहाजा जबकि वहां पर उलमा भी थे उन असेंबलीज में और गैर उलमा भी थे और कबूल नहीं किया गया। आज ये बिल पेश भी किया गया और मंजूर भी किया गया। अब जिस तरह से मंजूर किया गया खुद ये 1000 सवालात को जन्म देने का बायस है। अच्छा, वो जो 400 की असेंबली है, टोटल 8 बंदे बैठे हुए थे कौमी असेंबली में और उन 8 बंदों ने खामोशी से साइन कर दिए और बिल पास हो गया। मुझे ये बताएं कि किस बैनुल अक्वामी और पाकिस्तानी कानून के तहत कोई ऐसा अखलाकी जवाब बनता है कि 25 करोड़ आवाम के लिए 8 अफराद बैठकर एक बिल पर साइन करें और उसको कानून का दर्जा दें और बाकी जो तकरीबन 350 से ऊपर नुमाइंदे हैं उनको इल्म ही ना हो। सबसे पहला तो यहीं से पता चलता है कि ये एक फसाद की बुनियाद रखने वाला बिल है। अच्छा, इसका माशरे की इस्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, बिल पेश करने वाला मौलवी चतराली, उसने खुद अपनी जबान से कहा कि मैं तो छुप कर पेश करना चाहता था। इसका मतलब है वो चोर था। इसका मतलब है वो 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहता था, इसलिए छुप कर करना चाहता था। चोर रस्तों से बिल पास करवाना और फिर आखिरी दिन धड़ धड़ धड़ा धड़ बिलों को सेनेट में पास करवाना, क्या कयामत आ रही थी कि आखिरी दिन इतने बिल पास करवाए। जी पहचानो अपने अपने सियासी मुखालिफों को, जी पहचानो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, आपसे बात कर रहा हूं, आखिरी दिन में जाकर एक दो बिल थोड़ी पास हुए। पाकिस्तान मसलक की बुनियादों पर नहीं बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस्लामी मुत्तफ़का मुश्तरका कदरों पर बना था, मसलक की बुनियादों पर नहीं बना था। ये पाकिस्तान सुन्नियों ने बनाया है, शियों ने बनाया है, देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, सबने मिलकर बनाया है। हत्ता गैर मुस्लिम जो कौमें हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा इसकी तामीर और तश्कील में रखा है। ये मुल्क किसी मसलक का मुल्क नहीं है। खबरदार, जिनके अब्बा ने और दादा ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी वो आज पाकिस्तान के फैसले करने के हकदार नहीं है। अजीजों, जब आप आदतों के खिलाफ जाएंगे ना तो फिर आपको मुकाबले का और सामना और मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। बेदार तरीन नजरिया तशय्यो का नजरिया है। इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर को तशय्यो कहते हैं। इस्लाम की रोशन चमकती हुई शक्ल को तशय्यो कहते हैं। इन लोगों ने तो माजी में भी मुसलमानों को शर्मिंदा किया, इनके हवाले कर दिया तो आगे भी ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ और देने वाले नहीं है। मगर मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों से तवक्को करता हूँ कि इस मुल्क को मसलकी पाकिस्तान बनने से वो रोकेंगे। ये सबका है, सबका था, सबका रहेगा। सेनेट के जरिए
और पार्लियामेंट के जरिए नहीं होता ये काम। ज़ियाउलहक ने नफाज़े फ़िक़्हे हनफिया उन्होंने कहा कि हम नाफिज करेंगे, उसको न फ़िक़्हे हनफिया से कोई सरोकार था न फ़िक़्हे जाफरिया से, वो अपना इकतदार बढ़ाना चाहता था, लेकिन एक हथियार के तौर पर उसने ये मजहबी नारा अपनाया, फ़िक़्हे हनफिया के नाम पर जमातों को अपने साथ बुला लिया। खूब ज़ाहिर है अब दूसरी फ़िक़्हे वाले जो फ़िक़्हे हनफिया नहीं है, फ़िक़्हे शाफिया हैं, फ़िक़्हे मालिकियाँ हैं, फ़िक़्हे हम्बलिया हैं, फ़िक़्हे जाफरिया हैं, वो ज़ाहिर अलर्ट हो गए कि ये क्या हो जा रहा है, एक फ़िक़्हे को क्यों दूसरों के ऊपर ठोंस रहे हैं आप। इस वजह से वो हरकत में आ गए और फ़िक़्हे जाफरिया अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की क़यादत में सारे जमा हुए उलमा भी आवाम भी, और उन्होंने ज़ियाउलहक़ के मार्शल ला में ज़ियाउलहक़ को मजबूर किया कि ये नहीं होने देंगे। मार्शल ला से ज़्यादा सख्त माहौल नहीं है आजकल ये। ज़ियाउलहक़ ने जब ताकत के ज़रिए से एक फ़िरके को दबाना चाहा तो फिर फ़िरके में क़यादत ने एहसास किया तो उन्होंने ख़ुद अपने लिए बिल बना लिया। अगर दबाव बढ़ाओगे तो वही तरीका आएगा कि आपको तो सेनेट में मौका मिला हुआ है तो वहाँ बिल बना लिया आपने, तो शिया तो सेनेट में नहीं है, फिर वो जहाँ हैं वहीं पर बैठ के वो अपना बिल तस्वीर कर लेंगे। तो ज़ाहिर है वो जब बिल तस्वीर करेंगे तो सेनेट नहीं होगी वहाँ पर, फिर दूसरे लोग नहीं होंगे, वो जो फिर बिल तस्वीर करेंगे वो ख़तरनाक हो जाएगा उस सब के लिए, और इससे मुल्क में अनार्की फैलेगी। जब भी किसी तबके को दबाने की कोशिश करोगे, आज की दुनिया में ये नामुमकिन है, वो नहीं दबता ना सियासी हथकंडों से ना ताकत से, उसने अपने रास्ते फिर बनाने हैं। तो ऐसा ना करो, धक्का ना दो शिया को उस इंतहा पसंदी की तरफ कि शिया अब अदम तहफ़ का शिकार होकर इंतहा पसंदी की तरफ चला जाए और बैठ कर फिर खुद उन राहों पर गौर करना शुरू कर दें जो न मुल्क के लिए मुफीद है न किसी के लिए मुफीद हैं। शिया पुरअमन हैं, इतना नुकसान हुआ है तशय्यों का ज़ियाउलहक़ से ज़माने से लेकर जब से उसने ये दहशतगर्द बनाए हैं, आज तक आप गिने हज़ारों शहीद हो चुके हैं शिया। खूब उसके बावजूद भी न मुल्क के साथ खयानत की है, न बगावत की है, न सोचा है ऐसा और न सोचेंगे ऐसा, लेकिन जब करेंगे ये ताकत फ़िरका किसी फ़िरके को दूसरे फ़िरके पर ठोंसेंगे, किसी भी फ़िरके को, यूँ नहीं कि मैं सिर्फ शिया होने की वजह से तशय्यों की बात कर रहा हूँ ना, बरेलवी अगर देवबंदी पे अपने आप को ठोंसे तो भी फसाद होगा, देवबंदी अपने आप को बरेलवी पे ठोंसे तो भी फसाद होगा, अहले हदीस पे कोई ठोंसे तो भी फसाद होगा, शिया अपने आप को ठोंसे दूसरों के ऊपर तो भी फसाद होगा। उधर ना जाने दें, मसला उतना दूर ना जाने दें, मसले को यहीं नज़दीक से, अव्वल तो खुद सेनेट ये बिल वापस ले ले, सदर उसको कलअदम करार दे, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने एक्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो एक्ट बना था उसको कलअदम करार दे के, और आइंदा के लिए भी ये मोहतात रहें कि कोई मजहबी एक्ट बनाने से पहले सारे मजाहिब को एतमाद में ले। हम कहते हैं चले टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम एग्री कर गए आपके साथ। हजरत अली के दौर में सियासत मुआविया क्या थी? मुर्दाबाद और क्या, या तो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन ले लें या मुखालफीन की ले लें। जी पहले खलीफा के मुखालफीन मुर्तद, मुर्तद क्यों जी? हुजूर के जमाने में वो साहबा थे लेकिन बाद में काफिर हो गए, तो फिर सीधी तरह बताओ ना, साहबी थे काफिर हो गए? नहीं नहीं, वो साहबी नहीं कहते ना। क्यों? हुजूर ने जब आंखें बंद की हैं आपने उन्हें मुर्तद छोड़ा है या साहबी के तौर पर छोड़ा है? ईमानदारी से बताए। हाँ, इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आए, मेरे हौज़े कौसर पे आएंगे मैं पहचान लूंगा कि मेरे साहब आए, मैं कहूंगा असहाबी असहाबी, तो मुझे बताया जाएगा यार सुल्ला आपको नहीं पता आपके बाद ये दीन से उठे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदतें जारी कर दी थी, तो मैं कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी, इन पे फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। तो हुजूर की जिंदगी में तो मुसलमान थे, बल्कि साबिकून अल अव्वलून में भी ऐसे लोग हैं। उबैदुल्लाह जिसने हिजरत हबशा की हुई है, तो पहले खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी मुर्तद, दूसरे खलीफा के मुखालफीन कहते हैं जी काफिर, रोमन्स और पर्शियंस, तीसरे खलीफा के मुखालफीन जी बलवाई खवारिज, हालांकि खारजी वो नहीं थे, खवारिज की तरह हजरत अली के दौर में आई है, वो बलवाई थे, उनमें कई साहबा थे, कई सीनियर साहबा थे, ज्यादातर जूनियर थे, कुछ ताबईन थे, लेकिन नाम क्या रखा हुआ? बलवाई। और चौथे खलीफा के मुखालफीन रदियल्लाहु, कितनी सख्त जाती है, या कोई थोड़ा इल्मी होगा तो कहेगा चौथे खलीफा के मुखालफीन खारजी। सरकार सिर्फ खारजी तो हजरत अली के मुखालफीन नहीं थे, खारजी तो मुसलमान हजरत अली के साथी थे, बड़े लॉयल साथी थे, हजरत अली की मोहब्बत में हजरत अली के खिलाफ हो गए कि आपने मुआविया के साथ सुलह क्यों एक्सेप्ट की है, तहकीम के इशू में काफिर तो नहीं थे? असल तो वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए हजरत अली के मुखालफीन हुए। आप कहते हैं वो छोड़ दें ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो फिर बातें आप सारी खत्म करें, पहले खलीफा के मुखालफीन, दूसरे तीसरे चौथे चारों के मुखालफीन को छोड़ दें, आप एक को आपने टारगेट किया हुआ है कि इसके मुखालफीन के अपने फजाइल बयान करने हैं। तो सरकार लोग कहते हैं खिलाफत मुल्कियत कहां से आ गई? जनाब जब आप सियासत मुआविया जिंदाबाद कहेंगे तो खिलाफत मुल्कियत तो आएगी, ये आपने लिखवाई है ना। आज तक तो अहले सुन्नत सिर्फ ये कहते थे साबी है, ठीक है कलमा गो है, गलतियां हो गई साबी होने की वजह से, इस पर लानत रखी जाए।
बागी है पॉलिटिकल, काफिर नहीं है, बस इसको ये बेनिफिट दें कि हुजूर का साथी था, ठीक है मसला मिस हैंडल हुआ, हम हजरत अली के साथी हैं। जब तुम लोग शहादत हसन के दिन अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कराओगे, तुम 10 वर्षों के ऊपर करबला डिस्कस करने की बजाय सियासत मुआविया डिस्कस करोगे तो सरकार फिर तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। मुस्लिम की हदीस है, मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अपने अहले बैत के मामले में, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरे अहले बैत, और अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तुम लोग अहले बैत के मामले में नहीं अल्लाह से डरे, तुमने रियाल देखे, दुनियावी मनफियत देखी, दुनियावी फिरके की मोहब्बत देखी, हमने वो देखा जो आखिरत में हमारे काम आने वाला। हम कहते हैं तुम्हारा हशर बनु उमैया के साथ हो, और हमारा हशर जो है वो नबी अल-इस्लाम और उनके अहलुल बैत और खुलफाए राशिदीन के साथ हो। आमीन।